तो कुछ चीज़ें देख के ना बड़ा दुख हुआ अंदर से, सच में बता रहा हूँ। जो एक इमेज बन जाती है ना जब हम फेक दुनिया में जीने लगते हैं, तो उससे बाहर आना ना हमें बहुत मुश्किल होता है। कई बार मुझे ये लगा कि मैं YouTube बंद कर दूं यार। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, एंड होप करते हैं सभी अच्छे होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज का जो वीडियो बना रहे हैं वो बहुत सारे लोगों ने पूछा, जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया कि भाई हम गोवा छोड़ने का मन बना रहे हैं, और मतलब डिसाइड किया हमने कि हमें गोवा छोड़ना है। तो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आए कि भाई क्यों छोड़ रहे हो गोवा, रीज़न क्या है। तो मैं सोचा कि चलो एक वीडियो बनाना चाहिए कि भाई क्या रीज़न है, किस लिए छोड़ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को बात समझ में आए हमारी, और समझ सकें कि हमने क्या चीज़ फील की, क्या यहाँ पे देखा और क्या चीज़ें हमने यहाँ पे दिखाई। तो आज की वीडियो में वो सारी बातें शेयर करेंगे कि हम गोवा आए, क्यों छोड़ना चाह रहे हैं अभी, और जो हम रीज़न बताएंगे वो कोई भी अपने ऊपर पर्सनली ना ले, क्योंकि बिकॉज हम किसी को पॉइंट नहीं करना चाहते, और हम कर भी नहीं रहे हैं किसी बिल्कुल को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। हम बस वो बता रहे हैं जो हमने फेस किया, फील किया, जो हमने फील किया अंदर से, और जो हमें यहाँ पे मतलब देखा, तो वही चीज़ें हम शेयर करते हैं। जैसे कि पहले से ऑनेस्टली जो दिखता है वही बता देते हैं। सो गाइस, चलो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड बताते हैं वीडियो में आपको। जब हम गोवा आए थे तो हमने सोचा था कि क्या सोच के हम आए थे, पहले वो बताना चाहती हूँ। हम लोग सोच के आए थे कि देखो गोवा कैसी जगह है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ के बारे में लोग बहुत जानना चाहते हैं, तो हम नई नई इन्फॉर्मेशंस आपको देंगे, तो हमारा चैनल भी ग्रो होगा और आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दिल्ली में कैसा होता था कि दिल्ली इज़ नॉट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो दिल्ली से हमें बाहर जाना पड़ता था चीज़ें बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए। हाँ, सेकेंड चीज, दिल्ली में हम उस टाइम लॉकडाउन था तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। ऑफकोर्स, और गोवा हमारी ड्रीम डेस्टिनेशन थी, अभी भी है स्टिल। तो कैसा हुआ, जब हम यहाँ पे आए तो कुछ कुछ चीज़ें जो हम सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं उससे हमें अलग लगी। अलग लगी मतलब जो हम देखते हैं सजी सजाई चीज़ें, उनसे थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी। तो हमने सोचा कि ये तो अच्छी चीज़ है, मतलब हम लोगों को एक्चुअल चीज़ दिखाते हैं जो है, मतलब जैसा कि एक्चुअल में गोवा है वैसा कुछ दिखाते हैं। स्पेशली गोवा का कल्चर, जो आज तक किसी यूट्यूबर ने किसी ने नहीं दिखाया कि गोवा में कैसे गांव में लोग रहते हैं, कैसे यहाँ पे क्या क्या फेस्टिवल्स होते हैं, कैसे उनको सेलिब्रेट करते हैं, जो हमने पिछले एक साल में अपनी काफ़ी वीडियोस के थ्रू दिखाया है। और साथ साथ बीचेस भी हमने दिखाए हैं, ऐसा नहीं कि बीचेस हमने एक्सप्लोर नहीं किए हैं। तो कुछ चीज़ें देख के ना बड़ा दुख हुआ अंदर से, सच में बता रहा हूँ, कि गोवा में क्या चीज़ें लोग दिखाते हैं और कैसी चीज़ें हैं एक्चुअल में, एक्चुअल में क्या है, और कैमरे पे लोग क्या दिखाते हैं केवल व्यूज़ लेने के लिए। तो वो चीज़ें मैं दिखा नहीं पा रहा था अपने चैनल पे, और ना ही दिखा सकता, क्योंकि वो हम नहीं कर सकते, वो हमारा नेचर भी नहीं है। हाँ, तो बट मेजॉरिटी ऑफ जो ऑडियंस है उनको वो चीज़ें पसंद है, उन पे मिलियंस व्यूज़ आ जाते हैं। कोई बिकनी में थंबनेल लगा देता है अपनी वीडियोज़ पर और उसमें मिलियन व्यूज़ होते हैं। ऑनेस्टली बताऊँगा, आप चेक कर सकते हो यूट्यूब पर जाके। लेकिन मेरा जो पर्पज़ था कि भाई मैं चीज़ों को सिंपल दिखाता हूँ, पहले से भी सिंपल दिखाता आया हूँ, मुझसे नहीं होती बनावटी बना तो नहीं होगा। अगर मुझसे एक्टिंग करनी होती तो मैं फिर दिल्ली में बैठ के कर सकता था, या फिर मुझे यही चीज़ें दिखानी होती कि भाई ऐसी चीज़ें दिखा के मुझे व्यूज़ लेने हैं, तो मैं दिल्ली में भी बैठे हुए दिखा सकता था। देखो होता कैसा है, बात सिंपल और ऑनेस्ट होने की है सबसे बड़ी। कैसा होता है, हम जो चीज़ हमें ग्राउंड लेवल पे दिखती है हम सिर्फ वो दिखाते हैं। हम कभी ये नहीं करते कि लाइक व्यूज़ लेने के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा दें, बहुत सुंदर सुंदर दिखा दें। हम जहाँ पे हमें कचरा पड़ा दिखता है हम वो भी दिखाते हैं, हमने कचरा इवन उठाया तक भी है। बट कई बार तब आपको चीज़ें फील होनी शुरू होती हैं जब उन चीज़ों पे भी आपके व्यूज़ नहीं आते और लोग उसको भी दिखावा बोल देते हैं। व्यूज़ ना आए बट वहाँ पे भी लोग आके डिमोटिवेट करेंगे कि नहीं ये तो दिखावा है, कैमरे के लिए आप दिखावा कर रहे हो, कैमरे के लिए आप दिखावा कर रहे हो, इन चीज़ों के लिए आप बस कैमरे के सामने दिखाना चाहते हो। तो ऐसे कुछ ही लोग होते हैं इंदो, बट उससे भी ज़्यादा है। जैसे आज की डेट में मेरे 51 के सब्सक्राइबर हैं, बट जब दुख होता है, जब लगता है कि मैं ऐसी अच्छी चीज़ें भी दिखा रहा हूँ अपने चैनल पे, और उसके बाद भी जो मेरी ऑडियंस है वही उस चीज़ को पसंद नहीं कर रही, दैट मीन
लोग नहीं पसंद करते। हाँ, कहीं पे मैं गलत कर रहा हूँ शायद, या तो, लेकिन मुझे पता है मैंने जो दिखाया वो एक्चुअल दिखाया है, तो या फिर कहीं पे ऑडियंस कहीं पे नहीं देखना चाहती है चीज़, उनको चाहिए कि वही जो एक इमेज बन जाती है ना जब हम फेक दुनिया में जीने लगते हैं, तो उससे बाहर आना ना हमें बहुत मुश्किल होता है। हमें वही चीज़ें लगती हैं कि भाई नहीं, ऐसी चीज़ें होती हैं, ये तो गलत दिखा रहा है। सच्चाई को मानने के लिए, सच्चाई को दिखाने के लिए उसके लिए भी एक हिम्मत चाहिए होती है, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए होती है, जो आज की डेट में मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों के पास है। हाँ, इवन दो देखो मेरी वीडियोस पे, ऐसी भी वीडियो है मेरे चैनल पे, अभी 50 के सब्सक्राइबर के पास बाद भी 2,000 व्यूज नहीं है मेरी वीडियोस पे, और तो, उनमें हमने बहुत ऑथेंटिक चीजें दिखाई, ऑथेंटिक दिखाई, उसके बाद मैंने उस पर कितनी मेहनत करी है, वहाँ जाना आना और उसके ऊपर कितना खर्चा किया मैंने, तो वो चीजें लोगों को कभी नहीं समझ में आई। देखो कैसा होता है, यूट्यूब इज नॉट एवरीथिंग, बट हम जब यूट्यूब को लेके चलते हैं, जब हम उसमें अपना करियर भी नहीं भी सोचो, बट जब हम चाहते हैं कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाएं या अच्छी चीज़ें प्रेजेंट करें, तो उसके लिए हमारा टाइम भी लगता है, हमारा पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगती है, बट जब कुछ उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता, तो फिर हम एक पॉइंट पे आके निराश हो जाते हैं, एक पॉइंट पे आके हमें लगता है कि छोड़ो ना, क्यों पीछे पड़े हैं हम। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, जब हम पता है कैसा ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंटेंट बनाना, ढूंढना, इवन तो बीच में एक दो चलो डेली ब्लॉग रखते हैं हम, कई बार अपनी घर की लाइफ कैसे हम यहाँ पे जी रहे हैं वो सारा कुछ भी दिखाते हैं, बट उस पे व्यू नहीं आए, कोई शिकायत नहीं। हाँ, उस पे नहीं है, जिसमें मेहनत लगी होती है बहुत और बड़े मन से आपने किया होता है, पर तो देखो ये लाइफ है, इसमें आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। हमने रियलाइज किया कि लोगों को जो गोवा पसंद है वो उस तरीके का गोवा पसंद है जिन पे मिलियन मिलियन व्यूज आते हैं। हाँ, हमारे टाइप का गोवा लोगों को शायद पसंद नहीं है। देखो मैं एक बात करता हूँ, जैसे मोनिका ने भी एक बोला था कि यूट्यूब कैरियर, तो कितने लोगों ने यूट्यूब पे कैरियर बनाया है, हम भी यही सोच के आए थे कि भाई गोवा जाएंगे तो वहाँ पे कंटेंट हमें ज़्यादा मिलेंगे, हम वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें दिखाएंगे लोगों को, डेली हम नई चीज़ दिखाएंगे, डेली हम अलग चीज़ दिखाएंगे, और हमने वो चीज़ें दिखाई भी काफ़ी हद तक, मैं मतलब उन चीज़ों में सक्सेस रहा कि मैंने वो सारी चीज़ें दिखाई हैं, जाके गांव में, चाहे वो गांव की लाइफ हो यहाँ की, चाहे यहाँ पे होली सेलिब्रेशन हो, चाहे यहाँ का कार्निवल हो, दिवाली सेलिब्रेशन हो यहाँ का, या फिर लोक उत्सव जो यहाँ का फेस्टिवल है वो हो, बाकी कोई भी और जैसे फेस्टिवल होते थे बीच बीच में, वो सारी चीज़ें जाके मैं दिखाता था। अभी जैसे मैं अपनी कुछ वीडियोस की बात करती हूँ, जैसे हम कहीं पे जाते हैं सपोज, और हमें कुछ दिखता है कि भाई यहाँ पे ये गलत है, सपोज किसी बीच पे बहुत ज़्यादा कचरा है, या किसी बीच पे बहुत ज़्यादा खराब कोई लोग मतलब चीज़ें कर रहे हैं, जैसे हमने दिखाया कि भाई लोग बियर बॉटल्स लेके अंदर बैठे हैं, उधर ही कचरा फैला रहे हैं, उधर ही मतलब कूड़ा डाल रहे हैं, तो हमने उनको मतलब क्रिटिसाइज किया, हमने कहा कि भाई ये चीज़ गलत है, और हमें ये मैटर नहीं करता वो बीच कितना फेमस है गोवा का या कितना पॉपुलर बीच है, लेकिन जो गलत है तो वो तो गलत है, उसके लिए बोलना या फिर उसको दिखाना ये नहीं है कि मेरी उसको दिखा रहा हूँ तो मैं गलती कर रहा हूँ। देखो ये हमारी सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गलत एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, वो हमने किया, बट उन्हीं बीचेस की आप ऐसी तमाम वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी जहाँ बड़ी सफाई से वो कचरा, खराब एक्टिविटी सब कुछ छुपा के बहुत अच्छा अच्छा उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है, और एक सामने थंबनेल में बिकनी में कोई लड़की लगा दी जाती है सो दैट लोग आए देखें, व्यूज देखें, बस ये फेक है, पर ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट है। एटलीस्ट हमें बीइंग एज अ ह्यूमन हमें कुछ तो होना चाहिए कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इन चीजों को दिखाएंगे, लोगों को इन चीजों के बारे में अवेयर करेंगे। हाँ, कि यहाँ पे ऐसा भी होता है, हो सकता है किसी टाइम पे वो बीचेस बहुत अच्छे रहे हो, अगर हम बात करें बागा की, बागा की, लेकिन हमने पीछे एक वीडियो बनाया जिसमें कि हमने बताया कि वर्स्ट बीच ये शायद आगे होने वाले हैं बागा और कलंगुट, तो उस पे भी लोगों के अलग अलग रिएक्शन आए, बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, खैर वो सबकी अपनी समझ है। देखो आज की डेट में मैं कहता हूँ अगोंडा बहुत अच्छा बीच है, मैं नहीं
गारंटी ले सकता है 10 साल बाद भी वो अच्छा होगा, अगर 10 साल बाद वो खराब हो सकता है तो मैं उसको खराब ही बोलूंगा 10 साल के बाद, लेकिन आज की डेट में अच्छा है तो आज की डेट में उसको अच्छा बोलो, आज की डेट में खराब है तो आज की डेट में उसे एटलीस्ट आप खराब बता सकते हो, बोल सकते हो। और देखो कैसा होता है, हमारी वीडियो बनाने का मतलब क्या होता है, हमारी वीडियो बनाने का मतलब होता है हमने आपको एक जगह दिखाई और वो अच्छी है तो उसके बारे में अच्छा बताया, खराब है तो उसके बारे में खराब बताया। जगह कोई खराब नहीं होती, हम ह्यूमंस ही होते हैं उसको अच्छा और बुरा बनाने के पीछे। बट अगर हमने आपको किसी जगह बहुत गंदगी और हमने वो छुपा के आपको बहुत अच्छा अच्छा प्रेजेंट कर दिया और कल को जब आप उस जगह आते हो और आपको वो वैसी नहीं मिलती तो आप क्या सोचोगे? बिल्कुल आप बुरा लगेगा। तो ये सोच के हम कभी भी फेक चीजें नहीं दिखाते, हम हमेशा वही दिखाने का ट्राई करते हैं जो रियलिटी में है, जो ग्राउंड रियलिटी है वही दिखाते हैं हम। हाँ, तो वैसे देखो वीडियो बहुत लंबी खिंच रही है आज की, बट ये चीजें देख के ना कई बार बहुत दुख होता है मन को कि मैंने, मतलब कई बार मुझे ये लगा कि मैं YouTube बंद कर दूं यार, इससे तो बेटर है कि YouTube बंद कर दूं, इस पे मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं YouTube पे, इसके लिए भाग रहा हूं YouTube के लिए, वीडियो बनाने के लिए 100-100 किलोमीटर दूर जाके मैं वीडियो बना के आता हूं और उसके बाद में फिर व्यूज़ नहीं आते। तो के एक बार मन में आ गया था मेरे, इवन दो मोनिका ने मुझे काफ़ी समझाया, बट मेरे मन में आ गया था कि YouTube यार मैं बंद कर दूं, नहीं चलाने का मन था बिल्कुल भी, बट फिर मोनिका ने समझाया और मैंने भी ठंडे दिमाग से बैठ के सोचा कि जो लोग मुझे देखते हैं, जो पसंद करते हैं, जो व्यूज़ आ रहे हैं 3,000 एटलीस्ट, वो लोग तो मुझे पसंद करते हैं ना, उन लोगों को तो मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, बेशक बाकियों को ना आ रही हो। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, यूट्यूब तो बंद नहीं करूँगा अब और करूँगा भी नहीं आगे, बेशक हम चेंज कर लेंगे अपनी जगह, हो सकता है तो वैसा ही, हाँ दिखाएंगे वही जो हम जैसे पहले से दिखाते आते हैं, जिसके लिए लोग हमें स्पेशली पहले से प्रेज करते हैं, जिसके लिए हमें मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप जो भी बोलते हो ऑनेस्टली बताते हो, सारा कुछ ऑनेस्टली दिखाते हो, रियल चीज़ें दिखाते, रियल चीज़ें और जो इन्फॉर्मेशन हम अपनी वीडियो के थ्रू लोगों को देना चाहते हैं वो आप अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हो। तो वो चीज़ें देख के मैंने ये अपना आइडिया ना साइड में रख दिया कि नहीं यूट्यूब बंद नहीं करूँगा मैं, दिखाऊँगा, बेशक हम कुछ और करेंगे, हम कुछ अलग चीज़ें दिखाएंगे, किसी और एरिया में जाके चीज़ें दिखाएंगे जहाँ पे लोगों को भी अच्छी लगे, हमें भी अच्छा लगे और जाके, क्योंकि मैं फेक थंबनेल लगा के या फिर ऊपर कोई ऐसा फ़ोटो लगा के जिससे कि अब ज़्यादा व्यू आए वो तो नहीं दिखा सकता और मैं चाहता भी नहीं वो करना किसी के साथ। देखो मैं किसी का थंबनेल लगाता हूँ तो कहीं ना कहीं अगर कल को वही बंदा मेरी वीडियो देखता है, हो सकता है वो उस पर रिएक्ट करे या उसको तो हर्ट होता है कई बार चीजें, रिएक्ट नहीं भी करे तो अभी किसी का कैसे लगा सकते हो, अब हाँ, उसकी अपनी प्राइवेसी है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें थी जिनकी वजह से मैंने डिसाइड किया, हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं अभी गोवा को हमें चलते हैं छोड़ना चाहिए, आगे लाइफ क्या होगी। हम देखो गोवा आए थे तो यूट्यूब के बेस पे आए थे उस टाइम पे, ऑनेस्टली मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद हमने धीरे धीरे यहाँ पे मेहनत करी, एवं दो काफ़ी एक साल जो पहला वाला सेकेंड लॉकडाउन था वो हमारा काफ़ी बुरा गुजरा है यहाँ पे, वो चीज़ें मैंने शेयर भी की। तो ये सब चीज़ें देख के मैंने डिसाइड किया कि भाई अभी एटलीस्ट बस ये लगा के गोवा से निकलते हैं, आगे का आगे जाके देखेंगे, एटलीस्ट अभी तो चलना चाहिए। हाँ, सो गाइस होप करता हूँ आपने जो हमारी एक्चुअल परेशानी है वो आपने समझी होगी और आपको समझ में ही आई होगी, एवं दो काफ़ी लोगों ने मुझे अच्छे कमेंट करके बताया कि भाई आपका जो दिल करता है वो करो, और अभी जो दिल कर रहा है मैं वही कर रहा हूँ बस। इवन कितने लोगों ने एडवाइस किया सोफिस्टिकेटेड वे में कि हाँ, नहीं आपको गोवा में रुकना चाहिए, गोवा अच्छी जगह है। बिल्कुल, गोवा बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह है, कोई दूसरी जगह नहीं है। हाँ, और मैंने बोला भी है कि गोवा इज माय सेकंड होम, अगोंडा स्पेशली, अगोंडा इज आवर सेकंड होम, मैंने उस वीडियो में ये चीज बोली है, बताया है। तो होप करते हैं कि आपको सारी चीजें मेरी समझ में आ गई होंगी एंड वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।